एक ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। मामला जिले के धम्मौर थाना क्षेत्र के ग्राम सभा दादूपुर का है। यहाँ के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान शाहिद अंसारी पर आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान सदस्यों के फर्जी साइन बनाकर प्रस्ताव कराकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वहीं प्रधान पर अनुसूचित जाति के गरीब किसान की जमीन हड़पने का भी आरोप लगा है। डीपीआरओ ने इस मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। बताते चले कि मामला दादूपुर ग्राम सभा के अनुसूचित जाति के दयाराम गौतम ने बताया कि उसने 9 बिस्से जमीन अपने बेटे के नाम बैनामा लिया है। हमारे खाते के ठीक सामने की जमीन बंजर है। इसी जमीन से होकर दयाराम खेत में जुताई बुआई करने जाता है। दयाराम का आरोप है कि प्रधान शाहिद अंसारी बंजर जमीन से आने जाने का रास्ता देने के लिए पैसे की डिमांड कर रहे थे। इनकार करने पर रास्ता बंद करने के लिए प्रधान उस जमीन पर बाउंड्री कराने लगे। पूछने पर प्रधान कह रहे हैं कि पंचायत घर बन रहा है, हालांकि ना तो कोई बजट पास हुआ है ना कोई एस्टीमेट आय बना है। वहीं इसी ग्राम सभा के ग्राम पंचायत सदस्य मनमोहन सिंह ने बताया कि प्रधान शाहिद अंसारी ने 5 साल होने को हैं। उन्होंने जो भी प्रस्ताव किया है उस पर ग्राम पंचायत सदस्यों की फर्जी हस्ताक्षर बनाते चले आ रहे हैं। सुल्तानपुर से संतोष पांडे की रिपोर्ट, प्राइमेटी न्यूज। हम दयाराम गौतम, जो कि अनुसूचित जात के व्यक्ति हैं, हमारी जमीन जो 9 बिस्वा लिए हैं बैनामा अपने लड़के के नाम से, कर्जा उधार काढ़ के उसको ग्राम सभा के प्रधान जबरन कब्जा करके उस पर दीवार उठा लिए हैं। शाहिद अंसारी, शाहिद अंसारी प्रधान, वो जमीन को बार बार कह रहे हैं मुझे दे दो, नहीं देने पर वो जो है हमारी जमीन पे दीवार उठाकर घिरा लिए हैं। बगल वाले से 5 लाख रुपया लेके, देवमढ़ी से 5 लाख रुपया लेके उसी को कब्जा करके दे रहे हैं। देवमढ़ी अनुसूचित जात का है, वहीं बगल उसका वो भी सह खातेदार है हमारा। अच्छा। उसको 5 लाख रुपया लेके उसको कब्जा करके उसको जमीन दे रहे हैं, और वहाँ पर छान छप्पर खूंटा और जो है बहुत मतलब अवैध निर्माण किया जा रहा है, और वहाँ पर जगह जगह पर सर सामान फेंक कर ताकि कोई आने जाने ना पावे। लेखपाल से कहने पर लेखपाल और नायब तहसीलदार और कानून गो कोई सुन नहीं रहा, कह रहा कोई बड़ा अधिकारी लेके आओ तो तुम्हारी जमीन को पैमाइश करेंगे। एसडीएम साहब के यहाँ किए थे, एसडीएम साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। एक बार उन्होंने दीवार घेरने से रोका जरूर था, लेकिन वो पैसा कौड़ी देकर फिर से घेराना शुरू कर दिया है और घेरा डाला है पूरी जमीन। तो ये सारा काम ग्राम प्रधान कर रहा है? जी सर। आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, हमारी जमीन नपवा कर निकलवा दिया जाए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। सदस्य जो है सिग्नेचर कर रहे हैं जी, और उनका आरोप है वो सिग्नेचर मेरा नहीं है, वो फर्जी तरीके से प्रधान और सेक्रेटरी और लेखपाल तीनों एक साथ ही कमरे में बैठ के करते हैं। सदस्य के आरोप ये मेरे सिग्नेचर नहीं, तो इन्होंने आपको शिकायत किया, इस संबंध में आपका क्या कहना है? वो हमने अभिलेख मांगा है और अभिलेख आने के बाद उसकी जाँच कराई जाएगी कि उसमें एक व्यक्ति की सिग्नेचर मेंबरशिप में हो रही है, मेंबर में जो राम अवतार के नाम से हो रही है, राम बहादुर के नाम से हो रही है, और राम बहादुर नाम का व्यक्ति ग्राम सभा दादूपुर में नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? अगर वो गांव का व्यक्ति नहीं है और उसके हस्ताक्षर हो रहे हैं तो वो गलत है। तो कितने दिन में, जैसे 27 जुलाई में शिकायत की गई है, अभी तक इस पर किसी प्रकार का कोई जो है नहीं, वो अभिलेख हम लोगों ने मांगे हैं। कितने दिन में अभिलेख आ जाएंगे? अब लेटर गया हुआ है सचिव के लिए, लेटर हम लोगों ने जारी किया है और उसका रिमाइंडर लिखते हैं, फ़ोन करके भी मंगवाते हैं, जल्दी से जल्दी मंगवाते हैं उसको। तभी हम क्या उम्मीद करेंगे कितने दिन में आ जाएगा? इसे एक महीना लगभग बीतने वाला है और अभी तक नहीं आया। नहीं, अब
गया है। इस दौरान थोड़ा कोविड की भी कार्यालय दो तीन बार कार्यालय भी बंद रहा है इसी दौरान, क्योंकि आसपास एमआई सेक्शन में भी पॉजिटिव निकल आए, उसके बाद आरईएस सेक्शन में भी पॉजिटिव निकल आए, उससे भी जैसे राम बहादुर नाम का व्यक्ति अगर उस ग्राम सभा में नहीं निकलता है क्या कार्रवाई हो सकती है? वो तो पंचायती राज एक्ट के तहत उसके प्रति कार्रवाई की जाएगी। नहीं बिल्कुल माना जाएगा उसको, होना ही नहीं चाहिए भाई, जो व्यक्ति गांव का ही नहीं है उसके तो हस्ताक्षर किसी भी कीमत पे नहीं होने चाहिए। आठ आठ नौ लोग जो है 13 सदस्यों में से शपथ पत्र से शिकायत किए हैं, तो अब तक तो प्रधान के खाते को सीज कर देना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसे आरोप लगा हुआ है। ऐसा नहीं है, शपथ फर्जी सिग्नेचर हो रहे हैं। शपथ पत्र जो दिया उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी के नाम से दिया है जी, तो उसको मैंने अपने स्तर से मांगा है, और जहाँ तक खाता सीज करने की बात है तो वो प्रॉपर वे में जिलाधिकारी महोदय को शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाता है, उसी के बाद वो कार्रवाई होती है। तो क्या जो शिकायतकर्ता को आपने अवगत नहीं कराया कि मेरे पास की बात नहीं है, आप इसको जो है नहीं जिलाधिकारी को दीजिए? उसने कहा आप अपने स्तर से जांच कर लो, इसलिए मैंने अपने स्तर से वो अभिलेख मांगा है। तो अभिलेख एक महीना हो गया, अभी तक आपको लेवल नहीं? नहीं एक महीना नहीं, अब दिया है उसके 27 तारीख को आया। वो ठीक है 27 को, अब उसी दिन जरूरी नहीं कि उसी दिन लेटर चला जाता है, दो चार दिन ऑफिस में भी लग जाते हैं। 17 तारीख हाँ, तो इस दौरान व्यवस्थाएँ कार्यालय व्यवस्थाएँ तो रहती ही हैं थोड़ी बहुत, तो मांगा है अभिलेख मांगा है हम लोगों ने। वो तो नहीं, हम अपने स्तर से तो उसकी जांच कर ही रहे हैं, है ना, और जब प्रधान के विरुद्ध कोई कार्रवाई होगी तो वो फिर भी जिला स्तर जिलाधिकारी स्तर से ही होगी। जिलाधिकारी से मिलना चाहिए भाई, मैंने कहा था शिकायतकर्ता को कहा था कि आप ये जो संबोधन जिला पंचायत राज अधिकारी को किया है वो जिलाधिकारी महोदय को संबोधित करें, लेकिन उसने कहा आप अपने स्तर से जांच करा लें, तो मैंने कहा ठीक है मैं जांच करा लेता हूँ। आपका क्या नाम है? मनमोहन सिंह। क्या प्रकरण है आपका? हम लोग ग्राम सभा दादोपुर के, हम ग्राम पंचायत सदस्य हैं, हमारे गांव के प्रधान साहिद अंसारी हैं, जो कि पिछले 5 साल से, पूरा 5 साल होने वाला है आज तक, जो भी जो है उन्होंने प्रस्ताव किया है उस पर जो है ग्राम पंचायत सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर बनाते चले आ रहे हैं। यहां तक कि हमारे गांव में एक आदमी राम बहादुर है जो कि जात का अनुसूचित जात था, वो 10-15 साल पहले मृतक हो चुका है, उसका भी वो प्रस्ताव पर हर जगह हस्ताक्षर करके देते चले आ रहे हैं, जिसकी शिकायत जो है मैंने BDO के यहाँ, SDM के यहाँ, और उसके साथ साथ मैंने DPRO को पिछले महीने में कई सदस्यों के हस्ताक्षर द्वारा दिया गया कि हम लोग जो है शपथ पत्र दे करके जो है DPO की इनकी जांच कराई जाए, और जो इन्होंने जितना जो है कार्य किया है सबका जो है फोटो स्टेट कॉपी या मतलब हम लोग देखें कहाँ कहाँ इन लोग इन्होंने फर्जी दस्तखत कर दिया है, किस किस प्रस्ताव पर जो है वो क्या क्या कर रहे हैं, और जब DPRO के यहाँ से दरखास्त ब्लॉक पे गई है तो तब से ग्राम प्रधान जो है तमाम सदस्यों को इधर उधर जो है धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारा नाली बंद करवा देंगे, खड़ंजा उचरवा देंगे, घर ढकलवा देंगे, ये सब करके जो है उनको परेशान कर रहे हैं। तो हमारा जो है जिलाधिकारी महोदय से, उप जिलाधिकारी महोदय से और CDO महोदय से, पंचायत राज अधिकारी महोदय से निवेदन है कि उनके विरुद्ध जांच कर, ग्राम प्रधान साहिद अंसारी के विरुद्ध जाँच कर और उचित कार्रवाई करें और उनके भ्रष्टाचार का खुलासा करें। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं और इस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। जांच के लिए हमारा विनम्र निवेदन है, तमाम गांव सभा में कोई कार्य भी नहीं हुआ है, और जो वहाँ पे काम होना है जनता के हित में जो है उसको जो है देख करके, निरीक्षण करके जो है उसको मौके पर